गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर. आई एम फ्रॉम सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल. वेलकम टू क्लास LKG. डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियोज में हमने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन सीखे थे. आई होप आपने अपने नोटबुक में राइट एंड लर्न दोनों किए होंगे. आज बच्चों हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. देखो बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक क्या है. बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है एक जैसे दिखने वाले अक्षर. एक जैसे दिखने वाले अक्षर. बच्चों, हमें वर्ण दिए हुए हैं. ये वर्ण क्या होते हैं बच्चों? एक जैसे लगते हैं लेकिन ये अलग अलग होते हैं. इनकी लिपियों में अंतर पाया जाता है. इनके वर्ण तो एक जैसे लगते हैं लेकिन ये एक जैसे नहीं होते हैं. इनकी लिपियों में अंतर होता है. जैसे देखो बच्चों, य प, य प. तो बच्चों, यह और पै क्या होते हैं? ये बच्चों एक जैसे दिखते हैं लेकिन ये होते नहीं हैं. जैसे यज्ञ होता है, पैसे पतंग होती है. तो बच्चों ये अलग अलग होते हैं. आगे देखो बच्चों, ब व, ब व. तो बच्चों, ब और व एक जैसे लगते हैं लेकिन ये होते नहीं हैं. ये अलग अलग होते हैं. इनकी लिपियाँ अलग अलग होती हैं. ब से बकरी होती है, व से वन होता है. तो ये अलग अलग होते हैं. ड है, ड है का देख लो बच्चों, ये एक जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं. जैसे डमरू, हैसे हल. तो बच्चों, ये वर्ण एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी लिपियाँ अलग अलग होती है. क, फ, म, ब, थ, य. तो बच्चों, थ से थर्मस, य से यज्ञ. जो बच्चों ये एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी लिपियों में अंतर पाया जाता है. घ, ध, घ, ध. तो बच्चों, घ से तो घड़ी होती है, ध से धनुष होते हैं. ये एक जैसी लगती है इनकी लिपियाँ लेकिन ये अलग अलग होते हैं. आगे देखो बच्चों, ग, म, ग, म. तो बच्चों, ग, म एक जैसे लग रहे हैं लेकिन बच्चों इनकी लिपियों में अंतर पाया जाता है. ये क्या है बच्चों? ग, ग यानी गमला, म यानी मछली. तो ये अलग अलग होते हैं. प, श, प, श. तो बच्चों, प से पतंग होती है, स से षटगौन होता है. तो ये बच्चों ये अलग अलग होते हैं. लगते एक जैसे हैं बच्चों लेकिन ये इनकी लिपियाँ अंतर पाया जाता है. ई, झ, ई, झ, ज, ग, ड, द. तो बच्चों ये एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी लिपियों में अंतर पाया जाता है. जैसे देखो बच्चों, य, प, ब, व, ड, ह, क, क, फ, म, ब, थ, ये, ग, द, ग, म, प, श, ई, झ, जैगे, डे, दे. तो ये बच्चों ये एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी लिपियों में अंतर पाया जाता है. ये डिफरेंट, इनमें डिफरेंट पाया जाता है. ये लगते एक जैसे हैं लेकिन इनकी लिपियों में अंतर पाया जाता है. और इनका मीन भी अलग अलग होता है. इनका अर्थ भी अलग अलग निकलता है. जैसे बच्चों देखो, ऐसे यज्ञ होता है, पैसे पतंग होता है. तो ये अलग अलग होते हैं. जैसे जहाँ, कैसे ज्ञानी बाबा. तो बच्चों ये अलग अलग अर्थ भी देते हैं. इनकी लिपियाँ में अंतर पाया जाता है. आगे देखो बच्चों, पढ़ो और अंतर समझो. तो बच्चों ये क्या है? ये क्या है बच्चों? बकरी, बकरी. तो ये क्या माना बच्चों? बकरी. ये क्या माना बच्चों? बकरी. तो इसमें क्या आ रहा है बच्चों? ब आ रहा है. आगे देखो बच्चों, व, क, वक. ये क्या है बच्चों? वक. तो बच्चों, ब और व में अंतर है. ब और व में अंतर पाया जाता है. तो बच्चों, ब और व में अंतर पाया गया है. बच्चों ये ब है और ये क्या है? व है. ये बकरी है, ये वक है. आगे देखो बच्चों, घर है, घर. धन है, धन. तो बच्चों इसमें क्या आ रहा है? घर में घ आ रहा है और धन में द आ रहा है. तो बच्चों इन दोनों में अंतर है. ये क्या है बच्चों? घर, ये धन. इसमें क्या है? घ और इसमें द. आगे देखो बच्चों, ढक्कन. ये क्या है बच्चों? ढक्कन, ये दवात. तो बच्चों ढक्कन में क्या आ रहा है? ड और दवात में द. तो बच्चों ड और द अलग अलग हैं. इनकी लिपियाँ अलग अलग हैं. ये क्या है? ढ और ये द. तो ये दोनों में अंतर पाया गया है. और इनका अर्थ भी अलग अलग है. ढक्कन, दवात. थन, तो थन में क्या है बच्चों? थ, यज्ञ में य. तो थ और य में अंतर है. ये थन है, ये यज्ञ है. तो बच्चों इन दोनों की लिपियों में अलग अलग है. इस तरह बच्चों आज हमने एक जैसे दिखने वाले अक्षर किए. तो बच्चों
हमने य पै य से यज्ञ होता है, पै से पतंग होती है। तो बच्चे इनके अर्थ भी अलग अलग आते हैं। ये एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनकी लिपियों में अंतर पाया जाता है। ये एक जैसे लगते हैं बच्चों लेकिन इनकी लिपियाँ क्या होती है, अलग अलग होती है, इनका अर्थ अलग अलग होता है। ब व ड है क फ म ब थ ये घ ध ग म पै श ई ज जय गे ड द। फिर बच्चों हमने इनमें अंतर किया। बकरी और वक में क्या अंतर है बच्चों, बकरी में बर वक में वर है, तो ब और व का अंतर था। फिर घर धन में, घर में क्या रहा है घर है, धन में धर है, तो घ और ध अलग अलग हैं। ढक्खन दवात में क्या है बच्चों, ढ और द का अंतर है, इसमें क्या रहा है ढर है, इसमें धर है, ये एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग है। धन और यज्ञ तो इसमें ध आ रहा है, इसमें यह आ रहा है, ये अलग अलग है। तो बच्चों आज आपको अपनी नोटबुक में एक जैसे दिखने वाले अक्षर ये लिखने हैं और लर्न करने हैं, या आपको राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं। हैव ए नाइस डे।